नमस्कार दोस्तों ऑटोटेक विद्यागुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को एन से संबंधित जो एच HMM ई एम एम ऑपरेटर का 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उसे मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा दोस्तों एच HMM ई एम एम ऑपरेटर का 2018 में दो पेपर हुआ था जिसमें एक कॉमन पेपर सौ नंबर का हुआ था जो सभी पोस्टों के लिए हुआ था एवं एक ड्रैग लाइन पोस्ट के लिए स्पेशल पेपर हुआ था जो पचास नंबर का था दोस्तों जो सेकंड पेपर हुआ था पचास नंबर का ड्रैग लाइन के लिए उस पेपर को मैं सॉल्व करवा चुका हूं आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के पुराने एग्ज़ाम पेपर एवं सलेबस के बारे में जानकारी ले सकते हैं और हाँ दोस्तों मैं इस यूट्यूब चैनल में तीन प्रकार से वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोग उसका विषय सूची स्क्रीन पर देख सकते हैं पहला है एन की तैयारी दूसरा है आई टी आई ऑटोमोबाइल डीजल मैकेनिक का थ्योरी विस्तार से और तीसरा है खान के मशीनों के बारे में एवं माइंस के अंदर का भी दृश्य आप लोगों को दिखाता रहता हूँ इंटरटेनमेंट के रूप में आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के सभी प्रकार के वीडियोजों को देख सकते हैं दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस करिएगा ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा ये एस ई एम एम ऑपरेटर का कॉमन पेपर है 2018 का ये 100 नंबर का हुआ था दोस्तों मैं इसे चार पार्टों में डिवाइड करूंगा जिसमें 25 25 प्रश्नों को अटेंड करूंगा। तो ये पार्ट वन है अब आइए देखते हैं पार्ट वन में 25 प्रश्नों को अगर आप लोग एच ई एम एम ऑपरेटर के कॉमन पेपर को पूरा देखेंगे और आगामी होने वाले एग्जाम पेपरों में भी ये सहायता करेगा तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है वर्तमान में त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री का क्या नाम है तो ऑप्शन है विप्लव कुमार देव विप्लव कुमार सेन विप्लव अनंत चक्रवर्ती असित सेन तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विप्लव कुमार देव ना कि विप्लव कुमार सेन ठीक है इसका सही आंसर होगा विप्लव कुमार देव अब आइए थोड़ा इससे जुड़ी जानकारियों को देखते हैं त्रिपुरा राज्य की राजधानी है अगरतला त्रिपुरा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो विप्लव कुमार देव हैं जो कि 9 मार्च 2018 को नियुक्त किए गए थे और दसवें मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है पाँच वर्ष और मुख्यमंत्री बनने के लिए उम्र होता है पच्चीस वर्ष एवं त्रिपुरा के राज्यपाल हैं रमेश बैस आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं हवाई देखते हैं दूसरा प्रश्न वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का क्या नाम है ऑप्शन नंबर ए श्री याकूब कुरैशी ऑप्शन नंबर बी सुनील राजभर तीसरा है श्री ओम प्रकाश रावत और चौथा है सुनील अरोरा तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुनील अरोरा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि सुनील अरोरा जी दो दिसंबर 2018 को चुने गए थे मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है छः वर्ष एवं मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लिए उम्र चाहिए पैंसठ वर्ष आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं अब ये देखते हैं तीसरा प्रश्न निम्न में से कौन सा आयुध भारतीय सेना से संबंधित नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए नांग ऑप्शन नंबर बी पिनाका ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मोस और ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मास्त्र तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्रह्मास्त्र जो है आयुध भारतीय सेना से संबंधित नहीं है मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आयुध भारतीय सेना से संबंधित मुख्य कौन कौन से मारक यंत्र हैं पृथ्वी त्रिशूल आकाश अग्नि नांग धनुष सागरिका अस्त्र ब्रह्मोस प्रदुम्न और पिनाका मुख्य रूप से ये आयुध भारतीय सेना से संबंधित हैं तो इन सभी को मैं स्क्रीन पर दिखा दिया हूँ आप लोग इन्हें नोट भी कर सकते हैं चौथा प्रश्न है इसरो का प्रथम चंद्रयान मिशन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था ऑप्शन है 2014, 2013, 2008, दो तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2008 में शुरू हुआ था पांचवा प्रश्न है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में छठवा प्रश्न है हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं ऑप्शन नंबर है ए तेतीस चौंतीस ग्यारह और बारह ठीक है तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि तेतीस हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं तेतीस व्यंजन होते हैं सातवां प्रश्न है हिंदी भाषा भारत देश की है प्रश्न कह रहा है कि हिंदी भाषा जो है भारत देश की क्या है ऑप्शन नंबर ए है राजभाषा राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों ना ही राष्ट्रभाषा और ना ही राजभाषा तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजभाषा हिंदी भाषा भारत देश की क्या है एक राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा है ये काफ़ी कन्फ्यूजन करने वाला प्रश्न है आप लोग इसको ध्यान देंगे आठवां प्रश्न है निम्न में से कौन सी ट्रॉफी भारत में क्रिकेट से संबंधित नहीं है ऑप्शन नंबर ए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी देवधर ट्रॉफी विजय हजारे ट्रॉफी और विजय मर्चेंट ट्रॉफी तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि विजय मर्चेंट ट्रॉफी बाकी जो है ये तीनों जो हैं ये क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियाँ हैं नवा प्रश्न है अगले फुटबॉल विश्व कप का मेज़बान देश कौन है ऑप्शन नंबर ए कतर ब्रिटेन इक्वाडोर जर्मनी तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कतर मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि कतर की जो राजधानी है दोहा है और ये जो फुटबॉल विश्व कप होने वाला है 2022 में होने वाला है कहाँ होने वाला है कतर में होने वाला है दसवा प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश केवल एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है सबसे पहले दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का मतलब समझ लीजिए प्रश्न कहना क्या चाह रहा है ठीक है देखिए कह रहा है ऐसा कौन सा देश है जो केवल एशिया महाद्वीप में नहीं है यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो एक महाद्वीप में नहीं फैला है दो महाद्वीपों में फैला हुआ है इस प्रश्न का कहने का मतलब यही है अब देखिए ऑप्शन नंबर ए मकाऊ जॉर्डन सीरिया और रूस तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि रूस इसका सही आंसर होगा मैं आप लोगों को मैप के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि रूस कैसे एक महाद्वीप में नहीं है दो महाद्वीपों में है तो दोस्तों आप लोग एशिया महाद्वीप का मैप देख सकते हैं देखिए दोस्तों ये पूरा जो है एशिया महाद्वीप है ठीक है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपको डॉट 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 ऐसे रेड कलर से आप देख रहे होंगे ये यही है एशिया महाद्वीप एवं यूरोप महाद्वीप का विभाजक रेखा ठीक है ना ये डॉट डॉट करके है जो और यहीं पर पड़ता है यूराल पर्वत तो यूराल पर्वत भी एशिया महाद्वीप को एवं यूरोप महाद्वीप को बांटने का कार्य करता है और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पूरा ये कलर है यहाँ से ये पूरा आपको जो बाउंड्री दिख रहा है ये यहाँ से ये पूरा जो है ये क्या है ये पूरा रूस है ठीक है ना लेकिन ये जो रूस है इसका कुछ भाग जो है यूरोप में है ठीक है इधर यूरोप महाद्वीप है और इधर एशिया महाद्वीप है आप लोग जानते ही हैं कि रूस जो है विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है तो रूस का जो कुछ भाग है दोस्तों ये कहाँ आता है यूरोप में आप लोग यहाँ देख सकते हैं यूरोप लिखा हुआ है इधर है एशिया महाद्वीप और बाकी जो ऑप्शन है दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये है जॉर्डन और ये है सीरिया ये जो है दो देशों में नहीं आते ये अकेले ही खाली एक देश है लेकिन जो रूस देश है ये दो महाद्वीपों में आता है इधर एशिया में और इधर यूरोप में रूस को यूरोशिया के नाम से भी जाना जाता है ग्यारहवा प्रश्न है निम्न में से कौन सी योजना भारत सरकार से संबंधित नहीं है तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना इसका आंसर सही नहीं है बाकी जो भारत सरकार से संबंधित योजनाएं हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रधानमंत्री प्रधान ग्राम सड़क योजना जननी सुरक्षा योजना ये जो है भारत सरकार से संबंधित योजना है, है। बारहवा प्रश्न है अगला क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाना है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंग्लैंड में और ये क्रिकेट विश्व 20 कप 2021 में होगा जिसका मेज़बान देश होगा इंग्लैंड इस बार ठीक है ना तेरहवा प्रश्न है दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो ऑप्शन नंबर ए दुबई लंदन सेंट पीटर्सबर्ग ब्रुनेई तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दुबई अब आइए थोड़ा आईसीसी के बारे में बात करते हैं जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का शॉर्ट नेम होता है आईसीसी, और इसका मुख्यालय दुबई में है आईसीसी की स्थापना 1909 में किया गया जिसमें प्रतिनिधि देश थे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका और ये जो दुबई शहर है दोस्तों ये पड़ता है संयुक्त अरब अमीरात में और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हिंदी होता है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोलते हैं इसको आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं चौदहवा प्रश्न है निम्न में से कौन सा अवार्ड भारतीय सैन्य बलों से संबंधित नहीं है ऑप्शन नंबर ए चक्र ऑप्शन नंबर बी वीर चक्र ऑप्शन नंबर सी परम परम वीर चक्र ऑप्शन नंबर डी आंतरिक सुरक्षा पदक तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा आंतरिक सुरक्षा पदक जो है अवार्ड भारतीय सैन्य बलों में नहीं आता है पंद्रहवा प्रश्न है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति और इसका मुख्यालय है दिल्ली सोलहवा प्रश्न है वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म निम्न में से किस देश में स्थित है रूस चाइना ऑस्ट्रेलिया और भारत तो, इस, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत सत्रहवा प्रश्न है देश में श्वेत क्रांति को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है ऑपरेशन काउ ऑपरेशन फ्लड ऑपरेशन मिल्क ऑपरेशन ग्रैंड भारत तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति का दूसरा नाम है ऑपरेशन फ्लड अब आइए थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं श्वेत क्रांति का दूसरा नाम है या कि अन्य नाम है ऑपरेशन फ्लड ऑपरेशन फ्लड के जो जनक है दोस्तों डॉक्टर बर्गीज कुरियन है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं अठारहवा प्रश्न है भारत में आई पी एल ट्वेंटी ट्वेंटी किस वर्ष प्रारंभ हुआ था दो हज़ार छः दो हज़ार सात दो हज़ार आठ दो हज़ार नौ तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दो हजार आठ में उन्नीसवा प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय राजधानी कुल कितने प्रदेशों से घिरी हुई है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दो तो दोस्तों आप लोगों को मैप के माध्यम से समझाने का मैं प्रयास करूँगा तो प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी यानी कि भारत की राजधानी को कितने प्रदेश टच करते हैं तो आप लोग मैप में देख सकते हैं दो राज्य टच करते हैं तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ये जो दिख रहा है दिल्ली है दिल्ली राजधानी जो भारत की राजधानी है इसको दो प्रदेश टच करते हैं इधर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश है और इधर आप देख सकते हैं हरियाणा है ठीक है ना दो प्रदेश दिल्ली को क्या करते हैं टच करते हैं आप लोग देख सकते हैं बीसवा प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर से घिरा हुआ है तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश अब आइए हम इसको मैप के माध्यम से समझाते हैं दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश राज्य को आठ राज्य टच करते हैं तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश लेकर के आठ राज्य टच करते हैं तो आइए देखते हैं एक तरफ से इधर देखिए उत्तराखंड है इधर हरियाणा यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है इधर राजस्थान इधर मध्य प्रदेश इधर छत्तीसगढ़ इधर झारखंड और इधर बिहार कुल आठ राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश को छूते हैं इक्कीसवा प्रश्न है पद्मावत किस कवि की कृति है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी का प्रश्न है बाईसवा प्रश्न है वंदे मातरम की रचना किस कवि ने की थी तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद चटर्जी तेईसवा प्रश्न है कामायनी काव्य की रचना किस कवि ने की थी तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद ने चौबीसवा प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द उपवास का पर्याय नहीं है तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तंद्रालू पच्चीसवा प्रश्न है अंगीकार का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है तो अंगीकार का विलोम होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अस्वीकार तो आज हमने 25 प्रश्नों को अटेंड कराया है हमारा जो दूसरा वीडियो आएगा यानी कि पार्ट टू आएगा उसमें भी 25 प्रश्नों को अटेंड कराएंगे तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत